आज हम लोग एडवर्ब क्लास लेंगे। एडवर्ब आज मैं वो पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक्चुअली यहाँ से बच्चे जो हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये एडवर्ब में जो हेडिंग बना लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्ब, जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान में हेडिंग बना लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्ब। इसके अंतर्गत आप सीखोगे क्या, आराम आराम सीखना है कि जैसे कोई भी वर्ड हो, वेरी मच और वेरी मच में क्या अंतर है, राइट? यहाँ पे तीन वर्ड मैं ले रहा हूँ, वेरी मच और वेरी मच। आज हम डिटेल देखेंगे कि वेरी मच और वेरी मच में अंतर क्या है। फटाफट लिखते रहो, कॉपी कलम निकालो, देखो मत, सीधा पढ़ना शुरू कर दो, और जो मैं लिखूँ फटाफट लिखना भी शुरू कर दो। जो बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं वो भी पढ़ना शुरू कर दो। ये मत वो सर क्या पढ़ा रहे हैं, सीधा मैं बैच में ही बच्चों के साथ तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, राइट? अब हमने कहा वेरी मच और वेरी मच। वेरी का प्रयोग कहाँ करोगे, इसके बहुत सारे यूज में दूंगा। वेरी का पहला यूज है कि इसका यूज करना पॉजिटिव डिग्री में। कहाँ यूज करना, पॉजिटिव डिग्री में। जैसे डिग्री अगर पॉजिटिव हो तो वेरी का प्रयोग करना, मच का प्रयोग करना कॉम्परेटिव डिग्री में, ठीक है? मच का प्रयोग कहाँ करना, कॉम्परेटिव में, और वेरी मच का प्रयोग कहाँ करना, तुम्हें लग रहा होगा कि सुपरलेटिव में। ऐसी बात नहीं है, वेरी का पॉजिटिव, मच का कॉम्परेटिव और वेरी मच का सुपरलेटिव, ना ऐसी गलती ना करना, इसका प्रयोग भी कॉम्परेटिव में, फाइन? यानी वेरी का प्रयोग डिग्री पॉजिटिव, मच का प्रयोग कॉम्परेटिव और वेरी मच का भी कॉम्परेटिव। जैसे हमने वर्ड बोला वाइज, बोलो वाइज है ना पॉजिटिव। अब तुम कहोगे सर डिग्री नहीं आता, तो बेटा गुड बेटर बेस्ट, गुड हो गया पॉजिटिव, बेटर कॉम्परेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव। टॉल टॉलर टॉलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, क्लियर? ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये होते हैं पॉजिटिव डिग्री और कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। जैसे हमने बोला वाइज, हमने बोला टॉल, हमने बोला ब्यूटीफुल, राइट? तो ये सारे वर्ड तुम्हारे डिग्री कौन से हैं, पॉजिटिव। इन सब के साथ तुम वेरी का प्रयोग कर सकते हो। जैसे यू आर अ यू आर वाइज बॉय, यू आर वेरी वाइज बॉय, सी इज अ टॉल गर्ल, सी इज अ वेरी टॉल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो वेरी का प्रयोग आप पॉजिटिव डिग्री में कर सकते हो, समझ में आ रहा है सबको? तो वेरी का प्रयोग कहाँ करना, पॉजिटिव डिग्री में, राइट? सेकंड वर्ड बड़ा कॉम्परेटिव, मच का प्रयोग कहाँ करते हैं, कॉम्परेटिव में। जैसे वाइज, वाइज का कॉम्परेटिव क्या होता है बच्चे, वाइजर, राइट? टॉल का क्या होता है बाबू, टॉलर। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। तो इसके साथ आप वेरी का प्रयोग नहीं कर सकते। यही एग्जाम में पूछता है वेरी वाइजर, गलत होगा, वेरी टॉलर गलत होगा, वेरी मोर ब्यूटीफुल गलत होगा। तो आप चाहो तो मच का प्रयोग कर सकते हो। अब कहोगे सर कि मतलब क्या हुआ, जैसे आप समझना हेडिंग डाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब। अब यहां पे एडवर्ब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे जानना हम लोगों को यह है कि जैसे हमने कहा कि भाई राम है, अब राम इज अ वाइज बॉय, राइट? तो पता है कि राम बुद्धिमान है, लेकिन हमने कहा कि राम इज अ वेरी वाइज, यानी वेरी जो है ये वाइज को और मॉडिफाई कर दिया कि राम बहुत बुद्धिमान है, राइट? हमने कहा सुनीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुनीता खूबसूरत है, लेकिन हमने कहा कि वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। अब अगर ध्यान दो कि अगर तुलना करना हो तो ये सुनीता है, ये अनीता है। अब इन दोनों में तुलना कर दिया, तो तुलना जब करेंगे उसे कहते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। तो हमने कहा कि सुनीता इज बेटर देन अनीता, सुनीता इज मोर ब्यूटीफुल देन अनीता, राइट? अब ध्यान देना, हमने एग्जाम्पल दिया कि सुनीता इज मोर ब्यूटीफुल देन अनीता, राइट? तो ये सुनीता है, ये अनीता है, राइट? अब ये दोनों सुंदर दोनों हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सुनीता अधिक सुंदर है, राइट? यहां तक बात समझ में आ गया। लेकिन अब कहना कॉम्पिटिटिव में कि भाई सुंदर है, लेकिन मच मोर, सुनीता इज मच मोर ब्यूटीफुल देन अनीता। तो हिंदी क्या हुआ सर,
हमने कहा सुनीता सुंदर है, सुनीता उससे अधिक सुंदर है, लेकिन सुनीता उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है। सुनीता इज मच मोर ब्यूटीफुल। एक्चुअली एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब इज एन ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज, ए लैंग्वेज का आभूषण है, गहना है। जैसे हम लोग यहाँ पहनते हैं, कभी यहाँ पहन लिया, यहाँ पहन लिया, यहाँ पहन लिया, तो ये क्या है? ऑर्नामेंट है, जितना पहन लो। तो ये आभूषण है। हमने तारीफ करा कि भाई ब्यूटीफुल तो है, ये कितना ब्यूटीफुल है? सुनीता इज मच मोर, सुनीता इज मच मोर ब्यूटीफुल देन अनीता। जैसे मच वाइजर, मच टॉलर, मच मोर ब्यूटीफुल, राइट? किताबी ज्ञान नहीं लेना कि मच के साथ मोर नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। यहां ध्यान दो, ये मच के साथ मोर नहीं है, ये मोर ब्यूटीफुल एक शब्द है। और वहां पे क्या लगा दिया हमने? मच का प्रयोग। आगे देखो, आप देखते हैं वेरी मच का प्रयोग कहां करते हैं हम? कॉम्परेटिव में। लिख लिया सबने यहां तक? जो बच्चे देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट देखो, वेरी मच का प्रयोग कहां करते हैं बच्चे? कॉम्परेटिव में। इसका प्रयोग भी कॉम्परेटिव में किया जाता है, वेरी मच का। जैसे ध्यान देना, हमने कहा कि वाइज से बना वाइजर, टॉल से बना टॉलर, और यहां बनाया हमने मोर ब्यूटीफुल। अब सुनीता इज वेरी मच मोर। अब देखो एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, हमने कहा सुनीता इज वेरी मच मोर ब्यूटीफुल देन अनीता। तो हमने कहा सुनीता इज वेरी मच मोर ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का यहां तक क्या है? कॉम्परेटिव है। सुनीता इज बेटर भी कह सकते हो, सुनीता इज टॉलर भी कह सकते हो। तो हमने कहा सुनीता इज टॉलर देन अनीता। ये कहना चाहते हैं कहां सुनीता कहां अनीता, मतलब सुनीता बहुत ज्यादा लंबी है। तो सुनीता इज वेरी मच टॉलर देन अनीता, सुनीता इज वेरी मच बेटर देन अनीता, सुनीता इज वेरी मच मोर ब्यूटीफुल देन अनीता। मतलब यह अलंकार को और बहा देता है। तो ऐसे मत सोचना वेरी मच और वेरी मच में अंतर हुआ, क्लियर? वेरी का प्रयोग कहां करेंगे बोलो, बोलो ना, पॉजिटिव। मच का प्रयोग कहां करते हैं और वेरी मच प्रयोग कहां करते हैं? तो समझ में आया, जैसे वाइज का वाइजर, टॉल का टॉलर, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, ठीक है? तो यहां पे आप वेरी मच का प्रयोग कर सकते हो। बोल बच्चे, यहां तो कोई दिक्कत? लिख लिया, आगे बढ़े अगला कॉन्सेप्ट। यहां पे हमने काम करा वेरी मच और वेरी मच में अंतर क्लियर किया। अब देखते हैं कि वेरी का प्रयोग और कहां कर सकते हैं, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अगला पॉइंट लिख लो कि वेरी इज यूज्ड, फटाफट लिखो वेरी इज यूज्ड। ऐसा कर लो वेरी और कर लो, ऐसा कर लो वेरी और मच, वेरी और मच इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव, बिफोर सुपरलेटिव। वेरी और मच का प्रयोग हम सुपरलेटिव में कर सकते हैं, लेकिन इसका एक खास स्ट्रक्चर होगा। तो लिख लो अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है वो देखो, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, और मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव। ये क्या होता है भाई? एग्जाम का फेवरेट है, कई बार पूछा है एग्जाम में, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव। आप इसका प्रयोग आराम से कर सकते हो, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव और मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव। तो हमने अंतर किया कि वेरी मच और वेरी मच में क्या अंतर है। तो द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा सर? जैसे कोई व्यक्ति टॉल है, जैसे कोई व्यक्ति क्या है बच्चे? टॉल है, ठीक है, टॉल है, लंबा है। तो हमने कहा दिया द वेरी टॉलेस्ट, तो टॉल में लगा दिया एस, टॉलेस्ट हो गया, टॉलेस्ट। तो कैसा क्या बोल दिया? द वेरी टॉलेस्ट। जैसे ही इज द वेरी टॉलेस्ट बॉय, वो बहुत लंबा लड़का है। हमने बोला सी इज मच द वाइजेस्ट गर्ल, तो सी इज मच द वाइजेस्ट। ये सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है? डिग्री सुपरलेटिव। हमने कहा सी इज मच द
वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो सी इज मच द वाइजेस्ट, बस मेरो तो सी इज द वाइजेस्ट कह सकते हैं हम लोग, लेकिन मच लगा दिया मतलब और ज्यादा हो गया। तो सुपरलेटिव में हम लोग वेरी और मच का प्रयोग कर सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। सी इज मच द वाइजेस्ट, मच द बेस्ट, मच द टॉलेस्ट, बस मेरे हो, वेरी द वेरी टॉलेस्ट, द वेरी वाइजेस्ट, द वेरी, ठीक है, यहां तक समझ में आ दोनों चीज। तो द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव। आपने पिछले क्लास में एडजेक्टिव में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि ऐसा क्वेश्चन होगा, लोग सोचता है मच द मोस्ट कैसे होगा, मच द मोस्ट, मच द टॉलेस्ट, मच द बेस्ट, ठीक है। तो एग्जाम में इसी पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़े अगला कॉन्सेप्ट, अब अगला पॉइंट लिख लो कि वेरी इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, यानी वेरी का प्रयोग V3 से पहले कर सकते हैं। वेरी इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, वेरी का प्रयोग पार्टिसिपल से पहले कर सकते हैं। वेरी इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वहां आप लगा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी यू, आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी यू, आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी यू, क्लियर। यहां पे एक पॉइंट और लिखना कि वेरी मच इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, हाँ अगला पॉइंट, वेरी मच इज यूज्ड, वेरी मच इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, वेरी मच इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल V3 को बोलते हैं, तो वेरी मच प्लस V3 भी कह सकते हो। एग्जाम्पल लिखो, आई एम वेरी मच टायर्ड, ही इज वेरी मच टायर्ड, आई एम वेरी मच टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ही इज वेरी मच टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक गया है, सी इज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा हताश हो गई है ना। तो जितना मन करे उतना बोलो, वेरी मच प्लस V3 प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, वेरी मच इज यूज टू क्वालिफाई, वेरी मच इज यूज टू मॉडिफाई कर लो, वेरी मच इज यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, वेरी मच इज यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, वेरी मच क्या प्रयोग, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है, वेरी मच इज यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, वेरी मच इज यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब। एग्जाम्पल लिखो, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, आई लाइक इट वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, आई लाइक इट वेरी मच। तो वेरी मच का प्रयोग आप वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए कह सकते हो और आराम से कर सकते हो, ठीक है बच्चे। इस तरह से आप एक एक पॉइंट देखो, एक एक पॉइंट समझो। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपका स्वागत करता हूं, और इस तरह से इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाना है, और ताकि सारे बच्चे देखें। और आप शिकायत करते हो कि सर वीडियो नहीं मिलता, तो पता क्या करना, सब्सक्राइब करना होता है। एक लाल जब आप ओपन करोगे DSL का, तो एक लाल लिखा हुआ मिलेगा, उसे सब्सक्राइब करना पड़ता है, और एक वेल आइकॉन बना होगा, उसे प्रेस करोगे तब वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा, आपकी शिकायत नहीं होगी वीडियो नहीं मिलता। इसके साथ साथ उन बच्चों की मदद करिए जिनको भारत में आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।